ट्यूशन जाओ, फिर सुबह उठ के स्कूल अटेंड करो, और यही नहीं घर आके शाम को होमवर्क भी करना पड़ता है, और रात को लग के पढ़ाई पढ़ाई की इतना स्ट्रेस है। ठीक है चल बाय बाय। ये सेकंड ईयर में थे जब शादी हुई थी, बोल रही थी शादी कर लो फिर पढ़ाई कर लेना, सारी मेहनत तो हमारे लल्ला को करनी पड़ती है, और आते कितने वही हमेशा के 50%। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कुछ आता भी है तुम्हें? हाँ? कुछ नहीं आता है। दोबारा से पढ़ाई करो सही से। अरे आरती कैसी हो तुम, यहाँ पर टीवी देख रही हो? अरे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि हमें परीक्षा से डरना नहीं है बल्कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और कैसे स्ट्रेस फ्री रहकर एक एग्जाम वॉरियर बनना है। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स, टीचर और आपके दोस्त क्वेश्चन साझा कर सकते हैं, और वो भी सीधे अपने प्रधानमंत्री के साथ। मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े। सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बच्चों को लेक्चर सुनाएंगे तो उनके कहाँ समझ में आनी है, उनको तो प्यार से पढ़ाना पड़ेगा। अब देख लेना हमारी अनन्या भी किसी से पीछे नहीं रह पाएगी, जिस चीज में अच्छी है ना उसी चीज में आगे बढ़ाएंगे उसको। पूरे 70% आए तुम्हारे। मम्मी चलो हम तो बड़े खुश हैं भैया, आज हम बनाएंगे लड्डू बेसन वाले। हाँ चलो चलो लड्डू बनाते हैं हम।